हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे रेकरिंग का जो घटाव और गुणा तीनों यदि साथ में तो कैसे लगाएंगे। पिछले वीडियो में देखें रेकरिंग का जोड़ और घटाव, जोड़ कैसे लगाएंगे, घटाव कैसे लगाएंगे और दोनों हो तो कैसे लगाएंगे, लेकिन इसमें तीनों हो तो कैसे लगाएंगे, जो घटाव और गुणा भी हो कैसे लगाएंगे, कैसे लगाना है हम बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, बताया ना, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो एक बार देखेंगे ना, दोबारा नहीं बोल पाएंगे यार। वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए, जैसे यही क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे रह सकता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है जो आपको मल्टीप्लाई में, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको माइनस जो है, माइनस दी जाने की माइनस नहीं है, माइनस मिल लीजिए 0.39 ये रखने लगा है, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वीडियो को जाके देखिए, सबसे पहले वाली वीडियो को बताएं, उसमें इसको हम ये लिख लेंगे बट जितने ऊपर रेकरिंग लगा है उतना नौ, उतना अभी बाद में माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नौ हो गया। अब जिस पर नहीं लगा उतना जीरो, पांच बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं लगा एक जीरो, और जिस पर नहीं लगा वही क्या कर देंगे, घटा देंगे। आ गया आपका 36/90 आ गया। अब इसी को मान लीजिए, देख रहे हैं ना, ये हो गया एंड 0.08 बार लगाएंगे तो हम बताएं कि इसको क्या सकते हैं, 8/9 पांच बाद एक भी अंक नहीं है, एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, एक भी अंक मतलब वो जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, अंक तो है लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं लगा ऐसा कोई अंक नहीं है। तो आठ लेंगे, आठ बुटे नौ, आठ जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नौ जरूर रहेगा, ये हो गया। आप देखते हैं अगर इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं 0.39 मल्टीप्लाई 0.8 इसके स्थान क्या रखेंगे 36/90 इसके स्थान क्या रखेंगे 8/9 कैसे काटेंगे देखिए, इसे काट देंगे हम 9 के 9 9 चौके 9 ऐसे काट दीजिए, क्या दिक्कत है, 9 कितना हो गया और ये 9 चौके 36। आप देखिए इसको ले देंगे 8 चौके 32/90 काटना था कि नहीं, 9 के 9 और 9 से काट देंगे 36, 4 बार जाएगा 4 × 8 = 32/90। अब 32/90 को क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसे हम सकते हैं 0.35 बार, ये ले सकते हैं। देखिए कैसे आया इसका वैल्यू, कैसे आया सुनना ही नहीं, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखा, इसको भी लिखा, दोनों को वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई किया, हल कर दिया, काट दिया 32/90 आ गया, क्या गया 32/90। जब 32/90 आ गया तो देखिए हम बताएं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्योंकि अगर इस प्रकार का है तो इसको लिखेंगे हम बताएं, सबसे पहले वही संख्या लिखते हैं, वही संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, वही संख्या लिखते हैं। अब जब वही संख्या लिखते हैं उसके बाद जितने अंक पर रेकरिंग लगा है उतना बार नौ, एक अंक पर रेकरिंग लगा एक बार नौ, एक अंक पर रेकरिंग नहीं लगा है एक अंक पे, बस एक अंक पर रेकरिंग रेकरिंग नहीं लगा एक जीरो लगा देंगे और उसको घटा भी देंगे, क्या है 32/90 आए कि नहीं देखो। इसको अगर ये है तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, इसके साथ ये भी ले सकते हैं, हो गया बस साल हो गया। देखिए फिर लिखेंगे 0.47 दोनों प्रकरण लगा है, 0.503 फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या है प्लस में है लेकिन क्या माइनस में है, क्योंकि अभी माइनस लगा है, हमको माइनस अब दे लेंगे 3 बार, ठीक। अब क्या करना है देखिए, ये आ गया आपको 0.47 बार प्लस 0.503 बार प्लस प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चिन्ह का नियम में बताएं, चिन्ह के नियम में बताएं, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू ना निकाल सकते हैं, ये तो पिछले एक तरीका हो गया, पहले हम इसको इस रूप में बना लेंगे फिर कर लेंगे। ये था आपका पहले जैसे, ठीक, साल कर लिए ब्रैकेट वाला, हमने क्या कर लिए ब्रैकेट वाला, फिर रख देंगे इसके स्थान पर वैल्यू उठा करके रख देंगे। अब देखिए पांच के बाद दो अंक, तो दो पांच के बाद दो अंक, दो
पांच बाद एक अंक, एक इसका एलसीएम क्या होगा, दो, क्या होगा एलसीएम कितना होगा, हम बताएं पॉइंट पे जितने पॉइंट बाद जितने जितने अंक पर लगा है बार टकरी लगा है उसके एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा दो आ गया, हम कहेंगे यहाँ पे एलसीएम क्या, एलसीएम यहाँ पे दो अंक क्या लगाएंगे स्टार, क्या लगाएंगे स्टार लगा देते हैं, बाकी हम बताएंगे दो अंक क्या ले लेते हैं अपने मत ले लेते हैं दो अंक क्या तीन अंक, दो अंक क्या तीन अंक, ये देखिए क्या हम बताए थे उसमें कि जब पॉइंट के बाद सभी अंकों पर रिकरिंग ना हो, पहला बताया था जब पॉइंट बाद डेसिमल बाद सभी अंकों पर रिकरिंग हो, लेकिन यदि सभी अंकों पर रिकरिंग ना हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट तो लगाना ही है, पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंकों पर रिकरिंग नहीं है, अधिकतम कितने अंकों पर, देखिए यहाँ पर एक ही अंक पर ना पॉइंट बाद एक अंक, पॉइंट बाद एक अंक या फिर एक भी नहीं, पॉइंट बाद अधिकतम कितने अंकों पर रिकरिंग नहीं है उतना अंक हमको लिखना है, तो अगर एक अंक पर नहीं है तो एक स्टार लगा देंगे, एक स्टार लगा देंगे, बस देखिए हो गया आंसर, बस इसको लिखेंगे हम 0.0 क्या 4747 4, क्यों 4747 रिपीट हो रहा है, फिर अब लिखेंगे इसको 5 0.0.5 0.3 0.3 ठीक, फिर इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.3555555 आप सबको हल कर देना, लिखना कैसे हम बताए थे कि यदि पॉइंट के बाद सभी अंकों पर रिकरिंग ना हो तो जितने अंकों पर रिकरिंग नहीं है उसको हम पॉइंट के बाद इतने अंक पर रिकरिंग नहीं रहेगा, उतने अंक आंसर में भी उतने अंक पर रिकरिंग नहीं रहेगा, तो कर दिया हमने लिख दिया 4747 क्योंकि बार बार आ रहा है 5 0 3 0 3 क्यों इसमें 5 पर रिकरिंग नहीं है इसलिए 5 दोबारा नहीं आया, 3 5 देखिए 5 5 चल रहा है क्योंकि 3 पर रिकरिंग नहीं, अब इन दोनों को जोड़ देना है, इसको क्या कर देना घटा देना है, 4 3 7 5 2 7 में से 0 7 में 0 7 5 हो गया 2 आ गया, ये 4 है ना 4 4 में 3 गया 4 3 7 7 में 5 आ गया 2 2 5 4 9 3 गया कितना आ गया 6 0, ये आपका आंसर आ गया, आंसर जो आया भैया आपका आंसर 0.6 0.622, लेकिन बाहर इसको छोड़ देते हैं, इधर वाले को छोड़ देते हैं, ये एक्स्ट्रा होता है, इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसी पर रिकरिंग होगा इस पर रिकरिंग नहीं होगा, ये इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं छापी जी, फिर एक क्वेश्चन और लिख बताते हैं, दो क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में खत्म कर देंगे, चलिए करिए इसको छापिए, चलिए अब देखते हैं यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, अब इसका मान हम बहुत आराम से बताएंगे ठीक है ना, और अगर एक करके इससे भाग करेंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा, इससे भाग करेंगे टाइम लगेगा फिर जोड़ेंगे तब तो टाइम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कंपटीशन में जो होता है टाइम की वैल्यू होती है टाइम की ठीक है ना, कम टाइम में आपको लगा देना है, पीछे वाले नोट किए हो ना, वीडियो को रोक करके लिख करके आराम से फिर आगे बढ़ते हैं ना, चलिए देखते हैं ये अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 3125 लिख सकते हैं, अब इसको हम सकते हैं 2 × 5 5 इसे लिख सकते हैं 2 7 इसे 5 6 5 6, अब बताइए हम बताएं यदि हर जो है हर आपको जो भी है पावर ग्रुप में 2 पावर ग्रुप में होगा या 5 के पावर ग्रुप में होगा या दोनों के पावर ग्रुप में होगा ठीक है ना, दोनों के पावर ग्रुप में होगा तो वह संख्या टर्मिनेट हो जाती है अर्थात पूरा पूरा कट जाती है, अब कितने अंकों को काटेगी, तो इसमें जिसकी पावर अधिकतम होगी जितना अधिकतम होगा चाहे जिसकी पावर अधिकतम होगी उतने अंक बाद क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी पूरा पूरा कट जाएगी, तो इसमें बताइए अधिकतम कितना अंक है अधिकतम कितना पावर है 2 पावर 6 2 पावर 7 2 पावर 5 तो यहाँ पे 2 पावर 1 अधिकतम कितना है 7, तो जो 7 अंक बाद टर्मिनेट हो गई कट गई वही हमारा ऑप्शन होगा, 5 अंक बाद कट गया ये 3 3 6 9 नहीं 3 3 6 ये आपको हो जाएगा सीधा, देखिए 7 अंक बाद पूरा क्या हो गया कट गया ये हो गया आंसर,
ये आपको आंसर हो गया, बात करने की जरूरत नहीं है, हम तो नीचे चेक करके पावर पॉइंट में देख के बता देंगे, हो जाएगा हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, ये भी जो होता है अगर आपको दे देगा 6/15, 9/15, 3/15, 12/15, ये सब क्या हैं, ये सब टर्मिनेट हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो पूछता है क्या ये सब टर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब पूरा पूरा कट जाएंगी, तो हम बताइए, हम बताएंगे यदि इसके रूप में रहेगा तभी टर्मिनेट होगा, यदि इसे काट देते हैं ये आएगा 3 से 3 × 6 = 5, ये आएगा 3 × 3 = 5, ठीक ना, 3 से काटेंगे तो 5 पावर नहीं, नीचे क्या 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 1, हम बताए 2 पावर हो या 5 पावर हो या दोनों पावर रूप में हो तो संख्या टर्मिनेट हो जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है टर्मिनेटिंग नंबर, छाप लीजिए। और अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कर इसको, ये वन है हो गया, चलिए अब उसको ध्यान दीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट बस, ठीक है ना, जैसे अगर दे देगा क्वेश्चन कि m इज इक्वल टू, यदि 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 m इज इक्वल टू 0.369369369, ऐसे क्या अड्डा अड्डा, मतलब आगे भी रेकर हो रहा, रेकनिंग हो रहा, एंड n इज इक्वल टू दे देगा 0.531531531, ऐसे रेकनिंग हो रहा हो रहा है, पूछ लेगा तो बताइए 1/m + 1/n इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, तो कैसे बताना ध्यान दीजिएगा, इसको हम सीखते हैं कि m इज इक्वल टू 0.369 पर रेकनिंग बार, इसको लिखते हैं n को 0.531 का बार, जो संख्या रेकनिंग होती है उस पर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं ऐसे। अब ये इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3/6 9/9, जितने अंकों पर लगा रेकनिंग उतना बार 9, जितने पांच बार जितने अंकों पर नहीं लगा उतना बार नीचे 0 लगा उसको घटा देते हैं, लेकिन पांच बार एक भी अंक नहीं है जिस पर रेकनिंग ना हो, इसलिए एक भी 0 नहीं लगा ना तो इसमें से घटा, पहले वीडियो में बताए हैं कैसे करते हैं इसको। और इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/3 1/3 9, क्यों 3 अंकों पर बार लगा है, 3 अंकों पर बार लगा है। अब बताइए ये कटेगा, ये जो है आपका 5 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 × 36 9 × 9, ये 111 हो जाएगा, ऊपर बचा 41/111, और इसको 9 से काट दीजिए ये भी कट जाएगा 36 9, ठीक, विभाजक के नियम बताए हैं 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81, नीचे 1 1, यानी आ गया 59/1 1 59/1 111, यन आ गया, अगर यन बराबर इतना है तो 1/m बराबर क्या होगा, इसका उल्टा पलट जाएगा, यहाँ पे 1/m बराबर क्या होगा, तब यह 111/59, अब यही हमको ये निकालना है, तब 1/m + 1/n बराबर, वैल्यू रखिए 111/45 + 111/59, अब बताइए 111 दोनों कॉमन है, कॉमन है 101/41 + 1/59, अब बताइए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 111 × 59 + 41/59, फैक्शन हल करना आता है ना, नहीं आता तो जाकर देखिए पीछे बताएं, सबसे पहले मैं क्या किया, इसको एक रिंग के रूप में लिख दिया, इसको फ्रैक्शन लिखा, काट दिया 9 से, ये भी इसी प्रकार होगा, काट दिया, काटने के बाद अब यम मिला, अगर 1/m चाहिए तो इसी को प्लट देंगे, जो नीचे है ऊपर
मतलब अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो गया। अब यही दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे आएगा आपका जो मान एक बट्टे एम प्लस एक बट्टे एन बराबर 111 गुणे, ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 बटे, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 19, कितना आएगा 24 19, ठीक ये आ गया। अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो आ गया, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, यही क्या है आपका आंसर है, आंसर है। इन दोनों को जोड़ दिया 100 हो गया, इन दोनों गुणा कर दिया इतना आ गया। गुणा करने का ट्रिक क्या है बताएं, जाकर देखिए लेकिन, ठीक। तो चलिए आज बस यहीं तक, ये समझ आया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तो आपका रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नए चैप्टर ना कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप मैथ के सब बताएंगे एक तरफ से, टेंशन नहीं लेने को, टेंशन नहीं लेने, बस आज यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, आया हो तो, ठीक। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।